स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा, जो यहां पर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है वो विशाल धरना प्रदर्शन जो है वो कर रही है। मैं आपको बता दूं, विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा 5 छात्रों को निलंबन किया गया है। इसी कड़ी में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रीजनल सेंटर धर्मशाला में प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये देख सकते हैं लाइव तस्वीरें और रीजनल सेंटर धर्मशाला में प्रदर्शन एक भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है वो कर रही है। जो है वो किया गया है और उनके निलंबन लाने के लिए यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो अखिल भारतीय डूब मरो, शर्म नहीं तो डूब
पहले आपका नाम? जी नमस्कार, ऋतिक बालसा, प्रदेश सहायक मंत्री एवीपी। आज जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रदर्शन कर रही है, क्या मामला है? देखिए, आज जो ये धरना प्रदर्शन विश्वविद्यालय के इसमें कैंपस के अंदर जो होने जा रहा है, ये हम देखते हैं कि बीते 22 तारीख को एक घटना यहाँ पे घटती है, जिसमें एनएसयूआई के कार्यकर्ता आधी रात को नशे की हालत में एवीपी के कार्यकर्ताओं के कमरे में जाकर उनके ऊपर जो है गाली गलोच करते हैं और अलग अलग टिप्पणियां करते हैं और उनसे लड़ाई करने का काम करते हैं। इसी के विरोध में ये जो है धरना प्रदर्शन चल रहा है जी। और उसके बाद जब इस सब घटना होती है, एवीपी कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला होता है, अगले दिन जब एक छात्र हमारा यूनिवर्सिटी के लिए अपनी कक्षा लगाने के लिए आता है तो उसके ऊपर भी ये लोग जो है दौड़कर उसके पीछे हथियारों के साथ उसके पीछे हमला करते हैं और उसके ऊपर। ये मामला कब का है और इसकी जो शिकायत है कहाँ कहाँ दर्ज करवाई है और क्या शिकायत करने के बाद फैसला जो है वो आया है और किस वजह से ये 5 छात्र जो है वो निलंबित हुए हैं? देखिए, ये जो पूरी घटना है ये 22 तारीख की रात से शुरू होती है और आज दिन तक जो है निरंतर चली आ रही है, हर रोज कुछ ना कुछ हो रहा है। तो इसी कड़ी में जब ये सब घटना घटती है तो विश्वविद्यालय प्रशासन जो है एक तरफा कार्रवाई करने का काम करता है, जिसमें विद्यार्थी परिषद के 5 कार्यकर्ताओं को जो है निलंबित किया जाता है। उसी के विरोध में हम ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि सरकार के दबाव में विश्वविद्यालय प्रशासन जो है कार्रवाई ना करे, एक तरफा कार्रवाई जो है विद्यार्थी परिषद का पूर्ण रूप से विरोध करती है और हम मांग करते हैं कि जो कार्रवाई है वो दोनों तरफा होनी चाहिए। अगर जो निलंबित छात्र हुए हैं उनका निलंबन निरखास्त नहीं किया जाता है तो तब तक क्या कार्रवाई जो है वो आपकी ओर से की जाएगी? कितने प्रदर्शन जो है वो लगातार एवीपी करेगा? कहां कहां ये प्रदर्शन जो है वो होने वाले? देखिए, विद्यार्थी परिषद ने आज आंदोलन की शुरुआत जो है कर दी है। आज एक विशाल धरना प्रदर्शन महाविद्यालय इसमें विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर हम करने जा रहे हैं। इसी के साथ कल हमारा हस्ताक्षर अभियान अपने विश्वविद्यालय प्रशासन के कैंपस के अंदर जो है होगा और इसी के साथ एक दिन की जो है भूख हड़ताल विद्यार्थी परिषद कैंपस में करेगी और साथ में ही मुंह पे काली पट्टियां बांधकर जो है विद्यार्थी परिषद कैंपस के अंदर प्रदर्शन करेगी। इस तरह के आंदोलन का स्वरूप विद्यार्थी परिषद ने तैयार किया है और आने वाले समय में जब तक हमारे कार्यकर्ताओं का निलंबन जो है वापस नहीं होता है, विद्यार्थी परिषद निरंतर आंदोलन करेगा। छात्र संगठन की बात करें तो कितने छात्र आपके इस आंदोलन में मौजूद हैं? एवीपी की बात करें तो देखिए, हम इस आंदोलन की बात करें तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ साथ अन्य स्टूडेंट्स भी इस धरने प्रदर्शन में मौजूद है, जिनका ये मानना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने जो कार्रवाई की है वो गलत है और इसमें पूर्ण रूप से जो है एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं की गलती है, जहाँ से ये सारा मुद्दा जो शुरू हुआ। क्या मांग रखते हैं इस प्रदर्शन से? इस प्रदर्शन से हमारी पहली मांग तो ये है कि जो एक तरफा कार्यवाही विश्वविद्यालय प्रशासन ने की है हम उसका विरोध करते हैं और हमारे जो 5 कार्यकर्ताओं का निलंबन हुआ है उसे जो है विश्वविद्यालय प्रशासन वापस ले और एक तरफा कार्रवाई जो है ना करके दूसरी तरफ जो है कार्रवाई करने का काम करे। सरकार के दबाव में आकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह सारा जो है निर्णय लिया है तो विद्यार्थी परिषद इसकी पूर्ण रूप से जो है निंदा करती है। मारपीट हुई थी या गाली गलौज की निकाली? मारपीट हुई थी या गाली गलौज की? जी, 22 की रात को पहले मारपीट हुई, उसके बाद अगले दिन हथियार लेकर हमारे कार्यकर्ताओं का पीछा किया गया। उसके बाद जब विद्यार्थी परिषद इस चीज का विरोध करती है तो सरकार के दबाव में आके जो है विश्वविद्यालय प्रशासन ये निर्णय। धन्यवाद। एनएसयूआई पर ये आरोप जो है वो लगा रहे हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो छात्र थे उनके साथ पहले शनिवार को मारपीट हुई, उसके बाद हथियार लेके उनके पीछे जो है वो गए थे। कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि सरकार के दबाव में आकर के ये जो विश्वविद्यालय प्रशासन है वो ये निर्णय ले रहा है, यही वजह है कि जो 5 छात्र जिन्हें निलंबन किया है वो केवल सरकार के दबाव में आकर के ही की है। फिलहाल ये धरना प्रदर्शन जो है वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उन छात्रों की वापसी के लिए यहाँ पर कर रहा है। अगर नहीं उन्हें उनका निलंबन जो है बर्खास्त किया जाता तब तक ये प्रदर्शन लगातार हर जगह पर जारी रहेगा। हस्ताक्षर अभियान जो है वो भी जारी जो यहाँ पर रहने वाला है। इसके साथ मुँह पर काली पट्टियाँ बांध कर ये अपनी कक्षाओं में जो है वो पहुँचेंगे। तो चलिए दर्शकों, इस लाइव स्ट्रीम में इतना ही, मुझे दे इजाजत।